खरगोन जिले के अंजन गांव में हुए हादसे के बाद न केवल अंजन गांव बल्कि समूचे जिलेवासी आहत हुए हैं। पीड़ित परिवारों को अपने अपने स्तर पर मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां हादसे के बाद शोक मग्न परिवार के भोजन की चिंता करते हुए भगवानपुरा शिक्षा विभाग के अमले ने भोजन का जिम्मा उठाया है। विकास खंड अकादमिक समन्वयक हबीबुल्ला खान ने बताया कि गांव में कोई भूखा न रहे इसकी चिंता करते हुए सेवा मरहम रसोई चलाई जा रही है, जिसमें रोजाना सुबह शाम 150 लोगों की रसोई बनाई जा रही है जो पीड़ितों के घर तक पहुंचाई जाती है। सुबह शाम बच्चों के लिए नाश्ते की व्यवस्था भी है। इसमें स्व सहायता समूह, उचित मूल्य की दुकान सहित अन्य लोगों से भी मदद मिल रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 26 तारीख को पेट्रोल टैंकर पलटने से मोड़फाली अंजन गाँव में जो दुर्घटना हुई, यहाँ के 23 प्रभावित परिवार है जिनके लगभग 150 सदस्य थे। श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदया, SDM साहब, SP साहब, तहसीलदार महोदय, जनपद के CO महोदय ने चिंता व्यक्त करी थी कि भाई इतने लोग सारे पूरे फालिया के सभी परिवारों में गमी हुई है, घायल है, तो इनके भोजन की व्यवस्था की जाए। उनकी सलाह पर BRC भगवानपुरा प्रभात परमार्थी, BEO सुमेर सिंह यादव के निर्देश पर हम लोगों ने सेवा मरहम की रसोई प्रारंभ करी उसी दिन से, और 150 लोगों को सुबह, 150 लोगों को शाम को खाना बनाकर यहाँ बुलाकर वितरित किया जाता है और उनके घरों पर भी वितरित किया जाता है। बच्चों को बुलाकर नाश्ता कराया जाता है और 11 दिन तक हमने अभी सोचा है कि इस तरह के का प्रतिदिन दोनों टाइम भोजन उनको दिया जाए। इसमें हमारे स्व सहायता समूह और उचित मूल्य की दुकान वाले, हमारे शिक्षक साथियों का बहुत सहयोग मिल रहा है। वो जनसेवा भी कर रहे हैं और अनाज और पैसे से भी उनकी जो मदद आ रही है उसी के आधार पर कलेक्टर महोदय और CO जिला पंचायत महोदया की सलाह पर। क्या नाम है आपका? हबीबुल्ला खान, विकासखंड अकादमिक समन्वयक भगवानपुरा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।